नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। आज हमारे साथ है विश्व साइकिल यात्री डॉक्टर राज फ्रॉम साइकिल बाबा, जिनके वीडियोस आपने बहुत फॉलो ही करे होंगे यूट्यूब पे। और ये उनका आज कौन सा देश है? 67th कंट्री, अभी हम 68th कंट्री में एंटर करने वाले हैं कल सुबह। हाँ, कल सुबह। आज हमने कोविड टेस्ट कराया। सबसे पहले तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। जोहान्सबर्ग से थोड़ा निकलने के बाद में ही मुझे कोविड टेस्ट कराना था, और मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे कोविड टेस्ट करा के कंट्री इंटर करना, और तीसरे दिन मुझे कंट्री से बाहर निकलना था। तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये सपोर्ट करा, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी और यहाँ तक लेके भी आए। और ग्रेट ग्रेट थैंकफुल टू और स्पेशली सरदा का, जिन्होंने मुझे पराठे बना के खिलाए। ये तो कुछ भी नहीं था, आप आ ही नहीं पाए। अगर मैं जल्दी आपको पिंग कर लेता तो हम जल्दी मिल पाते, वो तो बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहले हम आपको, जिसकी वजह से साइकिल बाबा फेमस हैं, उस धन्नो के दर्शन कराते हैं। तो देखिए धन्नो, जिसे साइकिल बाबा बहुत ही जल्दी, इतनी जल्दी पुलिस वाले राइफल को असेंबल कर लेते हैं, उतनी स्पीड से साइकिल बाबा साइकिल असेंबल कर देते हैं अपनी धन्नो को फटाफट, क्योंकि हमने जो गाड़ी में ट्रैवल किया वो बहुत छोटी सी थी, तो फिर हमें साइकिल को फोल्ड करके लाना पड़ा। बट आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप फॉलो करिए। तो अब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे साइकिल बाबा से। तो डॉक्टर साहब, आपने कब शुरू करा ये जर्नी? थैंक यू यार, थैंक यू। सबसे पहले तो ये जर्नी यार 2016 में शुरू की थी, सितंबर 2016 में, और 6 साल होने को हैं। और अभी 67th कंट्री में, 68th में एंटर करने वाले हैं। तो 70,000 किलोमीटर से ऊपर हम राइड कर चुके हैं। बस यूं ही चलते चलते लोग जुड़ते गए, आप लोगों का प्यार मिलता गया, कारवां बनता गया, और मज़ा आ रहा है यार। तो अभी कितने कंट्री करने का ड्रीम है? ड्रीम तो पूरी दुनिया देखने का है भाई। अभी तो लगेगा टाइम, कुछ अगले 8-10 साल और कंप्लीट करने में पूरा हो जाएगा, पर हो जाएगा धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हम तो कछुए हैं, हम खरगोश तो हैं नहीं, जो धीरे धीरे चलेंगे और तो कर देंगे। 68 कंट्रीज में आपको सबसे बढ़िया कंट्री कौन सा लगा? यार आप डिफाइन नहीं कर सकते, हॉस्पिटैलिटी देखो या कुछ ऐसे करो, पर यूं कहें कि सिंपल तरीके से बात करूं तो जापान इज़ डिफरेंट यार। जापान बहुत अच्छा था, जापान के तरीके, लाइफस्टाइल, उनकी सबसे अच्छी चीज़ थी जो ईमानदारी उन लोगों की, वो काबिले तारीफ थी। और अफ्रीका में क्या, कौन सा कंट्री अभी तक जो देखे उनमें से कौन सा अच्छा लगा? देखिए अभी हम आपके कंट्री में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका इज़ लाइक अ यूरोप, ठीक है, पर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो सेफ्टी के और का लूटमार का वो इश्यू है यहाँ पे, और बहुत सुंदर है। पर रवांडा इज़ डिफरेंट, रवांडा करप्शन फ्री कंट्री है, पोल्यूशन फ्री कंट्री है, प्लास्टिक फ्री कंट्री है, और बहुत अच्छा है। तो हर कंट्री का अपना अपना एक तजुर्बा रहता है, तो आप डिफाइन नहीं करोगे कि भाई यही अच्छा था। और नए यूट्यूबर्स जो आपकी तरह साइकिल चलाना चाहते हैं, कुछ पर्यावरण के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? बस यार निकल जाओ, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को काम तो है कहना, और हमारा काम है करना। पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, धरती बचाओ, और साइकिल चलाओ, पेड़ लगाओ, बस यही संदेश है। और जो YouTube पे आना चाहते हैं, YouTube में दो ही चीज़ ज़रूरी है, क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी। तो अगर आपके पास दोनों हैं तो आप YouTube पे मस्ती से आओ, काम करो, रेगुलर वीडियोज़ डालोगे तो बहुत कुछ है यार यहाँ पे। तो अब इंडिया के लिए आपको क्या मैसेज है? इंडिया में आने वाले टाइम में फेस्टिवल्स आने वाले हैं। बस यार फेस्टिवल तो अब क्या है, चलो चलता रहेगा। अभी तो बस कुछ नहीं, गर्मियां चल रही हैं, तो लोगों को कहूँगा कि अपने आप को बचा के रखिएगा, पेड़ लगाए होते तो शायद इतनी गर्मी ना होती। तो अभी भी मौका है, लगा लो। और मेरे देशवासियों का, देश तो मेरे रग रग में बसता है, तो उनको तो क्या संदेश दूंगा मैं अभी यहाँ से, आपसे अफ्रीका में आके उनको संदेश तो मैं अपने देश में जाके ही दे दूंगा। नहीं वो तो ठीक है, तो चलिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू वेरी मच। यूं ही बढ़ते रहिएगा, काम करते रहिएगा, देश का नाम बढ़ाते रहिएगा, यही शुभकामनाएँ हैं आपको और आपके परिवार को। बसते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू सर।